हेलो दोस्तों, डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नए वीडियो के साथ। जो 315 आप लोग देख रहे हैं, जो कार्ब मॉडल है, जो अभी तक का सबसे सक्सेस मॉडल है और आज भी जो फिट होगा 315 का ऑडियो टोन का 1000 वाट का स्पीकर के साथ फिट होगा आप लोग को देखने मिलेगा। और इधर जो 315 काफ़ी भारी हो जाता है, उसके जगह में इसका जो रिस्पॉन्स है इसका काफ़ी तगड़ा है, जिसमें से एक स्पीकर फ्रंट और दो स्पीकर कर, यानी कि बेस का वाइब्रेशन बेस और लॉन्ग थ्रो के साथ इसका रिस्पॉन्स मिलता है। 3 स्पीकर का इसमें एक मूवमेंट मिलता है, कर्व वाला मूवमेंट मिलता है, इसके चलते इसका जो भारीपन के साथ जो लॉन्ग थ्रो है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कभी भी इसका टेस्टिंग ले सकते हैं जिस दिन चेकअप होगा, अगर कोई अगर चाहते हैं देखने के लिए तो। अगर कभी इसके बाद फिट होगा तो आप लोग को पहले ही मेरा इस चैनल में कम्युनिटी में आप लोग को दे देंगे। ये चैनल में बने रहिएगा ताकि और भी अपडेट आप लोग को मिलेगा। और इधर एम्पलीफायर सब निकल रहा है, सारा का सारा सील्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये दूसरा 4 एम्पलीफायर लगेगा, 2 ओम से 4 ओम्स के बीच में ये काम करेगा, इसका जो बजने का जो सिस्टम है। और यहाँ से और 2 पीस अभी निकाल, और इधर आपका आहूजा 1000 जो काफ़ी बेहतरीन सील्ड रहता है एक आसान सेटिंग में, इसमें आप जा सकते हैं। और लॉन्ग लाइफ होता है ना कि एक बार खरीद लेने के बाद निश्चिंत हो जाओ जिंदगी भर, तो आहूजा का यही खूबी के कारण ही उसको जाना जाता है। महंगा तो रहता है लेकिन लॉन्ग लाइफ इसका बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे बढ़िया बात ये आपका स्पीकर वगैरह को, ट्यूटर वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाता है, खास करके इसको तो HF के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ बिना नुकसान का, मतलब 4% 5% बोल सकते हैं, पॉइंट में नहीं बोल सकते हैं, 5% नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी 95% आपका सेफ्टी रहता है इसमें। यही है इसका सबसे बढ़िया खूबी। यह इसमें 20 HF देते हैं जो सब में सर्किट लगा हुआ रहता है, और उसको 2 ओम्स पे देते हैं। और जिस समय 10 HF 750 लगाते हैं उस समय 4 ओम्स पे देते हैं, ताकि एक बूस्टर मिल जाए और उसका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स जो थ्रो है वो चीज़ मिल जाए। इधर आ चुके हैं हमारे भाई लोग, चलो भाई कर दो, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं। इधर भी एक जन स्पीकर खोल रहे हैं, और कहाँ से हैं थोड़ा सा बता दीजिए सारे व्यूअर्स को। उड़ीसा तिरंगेट। तो उड़ीसा तिरंगेट से जो भी है तो ये भाई का जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डिटेल, वहाँ से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं, और वहाँ जाके भाई का टेस्टिंग भी सुन सकते हैं। और अगर आप भी लेना चाहते हैं हमारे यहाँ पर तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये जो भाई आए थे बहुत पहले आए थे, करीबन 3-4 महीना तो हो गया होगा ना, एक साल पहले कुछ डिटेल लेके गए थे और किसी कारण नहीं आ सके थे, इसके लिए अभी फिर बाद में आए। इनको भी पहले लिस्ट दिया गया था, समझाया गया था, और उसके आधार पर जो बेस्ट होगा वही सजेस्ट किया गया था। लेकिन देखा कि वही बजट में इनका अभी जो लेटेस्ट मॉडल है 315 आ जा रहा है, जो टुकड़ा काम करने में भी इनका सुविधा होगा, कैरी करने में भी सुविधा होगा, और उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी तगड़ा, और हाइट भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और अभी इनको मौका मिला है, पहले थोड़ा सा घबरा रहे थे कि कैसे जोड़ेंगे, गलती उलती नहीं ना हो जाएगा, लेकिन गलती ही करने के लिए बोले हैं, ताकि अगर कुछ गलती होता है तो अभी ये समय है जो सुधार कर पाएंगे। ऐसे तो सारा चीज़ वीडियो बना के देते ही हैं कैसे कैसे सेटिंग करना है, जो पुराना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए हैं
तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है सेटअप है भी, एक दो रोड शो करेंगे उसके बाद सारा चीज़ उनका आसान हो जाएगा। और इधर 315 और इधर ऑडियोटोन का 1000 वाट। इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग कीजिए, इसको पूरा खोलिए, पूरा सील्ड रहता है, इधर भी इंपोर्टेड पर्दा, घुमाइए इसको। ये अपना ऑडियोटोन का टैग, और इधर देख सकते हैं मॉडल नंबर, 1000 वाट मैक्स पीक पावर है इनका, 2000 हीट सिंक के साथ है जो कोयल को बचा के रखता है, इन आउट कोयल है। इधर ऑडियोटोन का टैग ओरिजिनल का, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कुछ कुछ स्पीकर में नहीं भी रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डुप्लीकेट है, कुछ कुछ मॉडल में रहता है। यहाँ पर भाई लोग को कौन वाला जनरेटर कौन वाला मशीन की तरफ जाएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो छोटा छोटा कन्फ्यूज़न होता है नया में। हम भी जब बजाते थे शुरू शुरू में, हम भी इनपुट के जगह आउटपुट को समझते थे, आउटपुट मतलब बाहर से जो आ रहा है उसको समझते थे, लेकिन एक्चुअली जो बाहर से आ रहा है इनपुट, जो पुराने हैं उनके लिए ये कॉमन चीज़ है, इनके लिए भी कुछ दिन बाद कॉमन चीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी जो शुरुआती में हम भी एक समय ऐसा था जो फेस करते थे ये सारा चीज़। और यहाँ पर छोटा छोटा जैसे 200 MB या 1 वोल्ट ये किस लिए दिया जाता है, इस तरह का काफ़ी सारा, कभी बॉक्स में इधर जोड़ देते थे तो मिस्टेक काफ़ी सारा होता था। और उसके बाद ही अभी धीरे धीरे करके जो समझ में आया, एक्सपीरियंस हुआ, उसके आधार पर ही सबको समझाना शुरू कर देते। लूज तार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, इसीलिए इसमें क्या होता है केबल का यूज़ करते हैं। केबल का यूज़ करने से क्या होता है कि बरसात में भी आपको यहाँ पर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने का थोड़ा सा भी चांसेस नहीं रहता है। यहाँ पर जो केबल यूज़ करते हैं PPX का जो ओरिजिनल है ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PPX का टैग, ठीक है। कुछ कुछ पेंजा का भी जो ओरिजिनल रहता है उसको भी यूज़ करते हैं, कभी वीडियो में देखिएगा। ये प्योर कॉपर रहता है, बहुत सारे इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग टाइप का रहता है, तो उसमें क्या होता है अंदर कहीं फंस जाता है, तो ये प्योर कॉपर रहने से आपका जो एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह जो करता है वो आपका करेगा नहीं। और एक चीज़ इसमें पहले हम बहुत सारे किए थे कि इसको अपने से भी बनाते थे जो खोल के अच्छा ब्रांड का ला के, लेकिन फिर भी एक मिस्टेक होता था, ये जब इसको खोलते थे ना ये खिंचा जाता था और अंदर शॉर्ट हो जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर लगाने से काफ़ी दिक्कत होता था। इसीलिए ये सील्ड वाला यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहता है कोई भी ब्रांडेड का। और देख सकते हैं किस तरह से स्पीकर एक बड़ा सा कर्व बना के रखा है, इसमें बेस वाइब्रेशन और लॉन्ग थ्रो ये तीनों ही मिलता है। जो बीच का स्पीकर है वो आपका लॉन्ग थ्रो के लिए, और जो साइड का स्पीकर है एक वाइब्रेशन, तीनों को मिला के एक कर्व वाला वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसमें अभी QR कोड भी आपको, जो बार कोड बोलता है, ये भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग क्या किए, इनपुट मतलब क्या है, जो जनरेटर, इसका भी इनपुट, इसका भी इनपुट, अगर एक जनरेटर है तो इसमें क्या किए, दोनों को, ये दोनों तार को एक साथ जाके जोड़ दिए, और अगर दो जनरेटर है तो दोनों को अलग अलग। अब यहाँ से आउट, इससे एक आउट जो निकल रहा है, यहाँ पर 4 एम्पलीफायर है, इसमें क्या करेंगे, एक के साथ ये 2 दिए और ये दूसरा वाला के साथ उधर वाला 2 दे दिए, इसमें तो करंट हमको मिल गया। अब इसके साथ जो है कोई ये हैवी लोड 1000 वाट को जोड़ दीजिए, इसमें बाकी जो बच रहा है जैसे हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर और मिक्सर, वो इसके साथ दे दीजिए, अभी डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम दे दीजिए। और इधर स्टैंडर्ड जाली के साथ लगभग फिट हो चुका है, दीजिए। और
ये लगभग आपका डबल बेस का अप्रोक्स साइज में है। हैंडल इतना पीछे देते हैं क्योंकि उधर स्पीकर कर्व में है, उसका मैग्नेट उगनेट सटेगा नहीं इसलिए। और बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ से हम लोग को यहाँ तक लाने में 10 से 15 सेकंड का समय लग रहा है, तो 10 से 15 सेकंड कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उतना अगर शरीर में ताकत नहीं लगाएगा आदमी तो फिर कैसे होगा। वहाँ से करीबन 10 से 15 सेकंड, उससे ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा पिछले भी बताए थे कि वो टुकड़ा टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात, हर एक एम्पलीफायर में आप दो पीस बॉक्स को आप जोड़ सकते हैं। और इधर इन लोग भी कितना भारी होगा, ठीक है ना, अप्रोक्स ठीक है, ठीक है। अगर इससे बड़ा होता तो फिर आपको दिक्कत होता, हाइट उठाने में दिक्कत होगा। अभी गली उली में कहीं लगाने का ये रहता ना, तब प्रॉब्लम करता, वो अपडेट हो जाएगा समय के साथ। इधर अपना टैग, इधर आपका बारिश से भी भीगता है तो आपको पीछे कोई फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीकर बचाना है। पेंट बॉडी का वही सबसे ज़्यादा फायदा होता है और बहुत ज़्यादा इसको रफ यूज़ करने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद में अगर किसी फ्री समय में पेंट कर देते हैं तो फिर से आपका ये नया बन जाता है। और इस साइड का भी ये लास्ट साइड से इसको लोड कीजिए ताकि आपको आसान होगा। अब क्या होगा ना, आप मत उठाइए, ठीक है, इन लोगों को उठाने दीजिए, बस इस तरह से कीजिए और अब उठा दीजिए, अब इसको रगड़ दीजिए। उस साइड घुमाइए, हाँ अपने आप लॉक हो जाएगा, दिखा दे रहे। अगर इसको खोलने का रहेगा तो आप ऐसे लेफ्ट निकल गया, डालने का कुछ नहीं है, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, देखिए लॉक हो गया। बाई चांस अगर ये मेरा ख़राब हो गया तो सबसे पहले तो आपको इसको लगा के देख लेना, या इसको उसको अगल बगल ये करके देख लेना, अगर दोनों में से जो ख़राब रहेगा इमरजेंसी के समय में इसको आपको खोल देना है। और ये आपका प्लस है, ध्यान से देखिएगा, और इस साइड आपका माइनस है, दोनों में, उस साइड प्लस, इस साइड माइनस, आपका राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। तो ये तार को आपको यहाँ जोड़ देना है, ये खराब होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक पहले ये वाला को लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, नीचे का दो बॉक्स दिए, फिर इसके ऊपर वाला, ये वाला, फिर वो तीसरा, तीसरा नंबर लाइन, फिर ये चौथा मशीन, वो सबसे ऊपर वाला। उस घर में अगर आप जैसे बजा के आए तो एक 9 वोल्ट वाला बैटरी या वो किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक याद रखने के लिए, इधर एक चैनल और उधर एक चैनल, एक तार आप इधर जोड़िए और एक तार उधर जोड़िए, सारा लाल को जोड़िए एक साथ और ये सारा काला को, इधर भी सेम सेम उसी तरह सारा चीज़ कनेक्शन हो जाएगा। सेटिंग तो अब इजी है, सब चैनल में एक एक करके 8 मशीन में 8 बॉक्स, मतलब ये 4 मशीन में 8 बॉक्स, हर एक मशीन में 2 चैनल करके हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में देना है, कोई भी तार कहीं भी जोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोटर का है, सबको एक साथ कर देंगे, लाल को लाल में, काला को काला में, और वो 1000 से 2 तार में आके वो डायरेक्ट बचेगा, पूरा का 20 का 20 ट्यूटर, ठीक है। और इधर काफ़ी दूर आए हैं, अभी दूर का टेस्टिंग सुनेंगे।
दूर से इधर बच्चा लोग क्रिकेट खेला, चलो हाय कर दो सब। चलो पूरा गैंग है, आज जीत गया मैच तुम लोग, वीडियो देख लेना वीडियो में सब कोई, ठीक। इधर लगभग चेक हो चुका है और इधर से फिर जा रहे हैं, बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहा है। तो बुरु बुरु रिम को एमल डोंडा को उनका ठीक है फिर दो ओ कोई बच्चा तो तुम से नो तंग नहीं मिला तो तुम से नो तंग। बाकी धन्यवाद उपेंद्र डीजे को उड़ीसा से और उनके पूरे टीम को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखे और हमसे जुड़े, और मेरे सारे व्यूअर्स को जो भी वीडियो में बने रहते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।